हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अंजलि शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल. सो आज हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ आईसीआर इन अ मैकेनिज्म कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि एक मैकेनिज्म में कितने आईसीआर हैं ये हम कैसे फाइंड करेंगे. तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एन इट्स इक्वल टू स्मॉल एन ब्रैकेट में स्मॉल एन माइनस वन बाय टू. यहाँ जो स्मॉल एन है वो है मैकेनिज्म में लिंक की संख्या, यानी कि एक मैकेनिज्म में कितने लिंक यूज़ हो रहे हैं वो है यहाँ पे. और जो कैपिटल एन है वो ये है कि आपका नंबर ऑफ आईसीआर के आईसीआर कितने हैं. अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो यहाँ आपको चार लिंक दिखाए गए हैं. एक मैकेनिज्म है पूरा और इसमें चार लिंक दिखाए गए हैं. तो आप जब इसे इसमें पुट करेंगे तो कैसे फाइंड होगा, जहाँ स्मॉल एन है वहाँ आप फोर पुट कर देंगे. सो यहाँ आ जाएगा फोर, ब्रैकेट में फोर माइनस वन तो थ्री हो जाएगा. फोर इंटू थ्री ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू इट्स इक्वल टू सिक्स. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आई सी आर है वो यहाँ पे कितने हैं. तो यहाँ पे आपके आई सी आर आने वाले हैं सिक्स. एक मेथड इसका ये होता है. और एक और मेथड होता है आपका कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो आपका आई सी आर है वो कहाँ आएगा, यानी कि आपको अपने मैकेनिज्म में कैसे पता चलेगा कि आई सी आर कहाँ है, या हम कह सकते हैं उसे कि कैसे हम ये पता लगाएंगे कि जो नॉमिन क्लेंचर ऑफ आईसीआर हैं वो कहाँ हैं. तो उसके लिए भी एक मेथड होता है, वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ. तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो मैंने आपको ये दिखाया है एक एग्जांपल उसी का देखेंगे कि इसमें सिक्स आईसीआर हैं ये हमें पता चल गया, लेकिन वो आईसीआर कहाँ कहाँ हैं ये हम कैसे फाइंड करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए और उस सर्कल में जितने आपके लिंक हैं उतना आप एक डॉट लगा लीजिए. जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है ऐसे ही आपको करना है. तो आपने एक सर्कल बनाया और उसमें चार डॉट लगा लिए, वन टू थ्री फोर. ये आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन के बाद थ्री आ गया फिर टू आ गया, ऐसे नहीं. आपको सीरीज से चलाने हैं, जैसे मैंने किया है वन टू थ्री फोर. तो यहाँ आपको ये फोर पॉइंट मिल गए. अब आप क्या करेंगे, इन्हें आपस में मिला दीजिए. इन्हें आपस में मिला दिया, अब आपको क्या करना है, हमारे पास कितने हमारे लिंक है, वन टू थ्री फोर. अब क्या करेंगे कि सब में एक एक ऐड करते जाएंगे कि जो दूसरा है वो पहले साथ लिख देंगे. या आप देखिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जैसे मैंने किया है, जैसे वन टू थ्री फोर, उसके बाद वन के नीचे क्या आएगा, वन और टू, फिर वन थ्री और वन फोर. ऐसे ही जब टू पे आएंगे तो टू का क्या आएगा, टू थ्री, टू फोर. जब थ्री पे आएंगे तो थ्री का आएगा क्या आएगा, थ्री फोर. और फोर के बाद कुछ है ही नहीं तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा. तो अब हमें यहाँ से पता चल गया हमारे पास कितने आईसीआर होने वाले हैं, सिक्स. और ये हमने जब अपना फॉर्मूला सॉल्व किया था तब भी हमें पता चल गया था कि हमारे पास सिक्स आईसीआर आने वाले हैं. तो अब इन्हें देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे. इसमें देखिए, सबसे पहला आईसीआर जो आपको मिलेगा वो होगा वन टू. वन टू आई सी आर कहाँ मिलेगा, आपके फिक्स लिंक पे. ये जो नीचे लिंक फिक्स है यहाँ पे आपको पता है कि ये वन था, तो यहाँ पे आई सी आर जो पहला है वन टू है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा. अब नेक्स्ट है हमारा वन फोर. वन फोर हमें मिल जाएगा क्योंकि वो फोर लिंक हमें दिख रहा है और वन भी है, तो वन और फोर को जहाँ से जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है, आई वन फोर. ऐसे ही हमें हमें हमारे बाकी के जो आई सी आर हैं वो भी मिल जाएंगे, जैसे कि आई टू थ्री और आई थ्री फोर. ये चारों आई सी आर हमें इस लिंक पे, इस पूरे मैकेनिज्म पे मिल जाएंगे. बाकी के बचे हमारे दो, दो आई सी आर कहाँ होंगे, एक तो वन थ्री और एक टू फोर. ये दो हमारे रह रहे हैं, तो ये हमें कहाँ मिलेंगे. तो इसको फाइंड करने के लिए हम जो मैथड मैं आपको बता रही थी वो यूज़ करेंगे. जो सर्कल मैंने आपको बनवाया था उसमें हमें क्या करना है कि वन से थ्री तक एक लाइन खींचनी है और उस लाइन को फॉलो करते हुए ये देखना है कि हम कैसे वन से थ्री तक जा सकते हैं. जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो इसमें वन से थ्री तक जाने के दो रास्ते हैं. एक तो हम वन से टू जा सकते हैं और फिर टू से थ्री जा सकते हैं, और दूसरा है कि वन से फोर चले जाएँ और फिर फोर से थ्री चले जाएँ. तो इससे क्या हुआ, हमारे पास चार पॉइंट आ गए. तो चार पॉइंट से हम ये देखेंगे कि ये चारों पॉइंट हमारे पूरे मैकेनिज्म पे कहाँ कहाँ हैं, और जहाँ जिन लिंक पे ये चारों पॉइंट हमें मिलेंगे उनके लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, और जहाँ वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहीं हमें मिल जाएगा आई वन थ्री.
तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना है 1 से 2 तक, यानी कि 1 2 कहाँ है, वो भी वो ये फिक्स पॉइंट पर है। उसके बाद 2 से 3, 2 से 3 क्या है, उसी लिंक का सेकेंड पॉइंट। देन 1 से 4, 1 से 4 फिक्स पॉइंट का सेकेंड, फिक्स लिंक का सेकेंड एंड है। और 4 से 3 उसी लिंक का जो एंड का डॉट है या पॉइंट है वो। तो अब हमें 2 लिंक मिले हैं, लिंक 2 और लिंक 4। अब हम इन दोनों लिंक को आगे बढ़ाएंगे और ये पॉइंट, ये लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हमें 1 3 मिल जाएगा। तो यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ हमें मिल गया I 1 3। अब हमारे पास बचा I 2 4। 2 4 भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। अब हम लाइन लाएंगे 2 से 4 तक। तो यहाँ जाने के भी 2 वे हैं, एक हम 4 से 1 जा सकते हैं और फिर 1 से 2, और ऐसे ही 4 से 3 और 3 से 2। तो फिर वही देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट है। 4 से 1, 4 1 या 1 4 एक ही बात है, तो वो ये पॉइंट है। और 1 से 2 उसी का नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स पॉइंट, फिक्स लिंक को ये शो कर रहा है तो फिक्स लिंक को आगे बढ़ा देंगे। देन 4 3 या 3 4 एक ही बात है, वो हमारे जो फोर्थ लिंक है उसका ऊपर का एक पॉइंट है। और 3 2 या हम कहें 2 3 वो उसका सेकेंड पॉइंट है। तो अब हम इस लिंक को आगे बढ़ा देंगे। हमारे पास 2 लिंक मिले हैं, 1 और 3। अब हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ हमें मिल जाएगा I 2 4। तो यहाँ से हमें I 2 4 भी मिल जाएगा। तो जो हमारे 6 थे, जो 6 ICR आए थे हमारे फॉर्मूला सॉल्व करके, वो हमें मिल चुके हैं 6 ICR। अब हमने फाइंड कर लिए हैं कि किसी भी मैकेनिज्म में जो हमारे ICR होते हैं वो कैसे निकालते हैं। आप चाहे तो वो फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं या चाहे तो अपना 1 2 3 4 वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। दोनों को फाइंड करके आपको पता चल जाएगा कि आपके उस मैकेनिज्म में कितने ICR आने वाले हैं। और फिर जो मैंने आपको ये मेथड बताया सर्कल वाला, इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि जो आपके अननोन हैं, यानी कि जो अननोन आपके ICR हैं, वो कैसे फाइंड करने हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।